मैंने पिछली वीडियो में इंस्टाग्राम आईडी दी थी, तो उस पर एक सवाल आया कि भैया क्या अगर आज से अभी से मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूं, अपनी तैयारी शुरू करूं, तो क्या इस साल के एंड तक ये जितनी भी वैकेंसी आई है, जो जो कि बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी है, उसने एग्जाम्पल दिया था बिहार SSC, RPF, रेलवे NTPC, ग्रुप डी, SSC CHSL और कई सारा जो एग्ज़ाम चल रहा है इस समय, जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, जिसकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है, क्या मैं इनमें से किसी एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? ठीक है, तो मैं उस बताता हूँ कि देखो, सबसे पहले अपने आप को एक जीरो लेवल में मानो कि आप अभी शून्य में हो, आपको कुछ नहीं पता, पिछला आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, कितने एग्ज़ाम दिए, कितने एग्ज़ाम नहीं दिए, कैसे किया कैसे नहीं किया, जो भी बर्बाद किया आबाद किया उसको भूल जाओ। आपको केवल आज से ये याद रखना है कि मुझे सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, बस आप ये याद रखिए कि मुझे सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, फुल एंड फाइनल, और कुछ मत याद रखिए। और एक चीज़ और याद रखिए कि सिलेक्शन के लिए पढ़ने के लिए आपको बहुत लंबे टाइम तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही समय है। रिसेंट में 6 महीने 8 महीने के अंदर सारे एग्ज़ाम होंगे और यही इतना टाइम लगता है एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करके सिलेक्शन लेने का। ठीक, जीवन में निराशाएं बहुत सारी हैं, निराशा है कि 4 साल 5 साल से आप लगे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और ये जो निराशा है ना, ये आपके भेजे में, आपके मन में हावी हो चुका है कि बस आपसे नहीं होने वाला, सब कुछ बदल चुका है। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास कुछ यूनिक होता है, कुछ यूनिक टीचर होते हैं, कुछ यूनिक कोर्स होता है, कुछ यूनिक यूट्यूब चैनल मिल जाता है उनको, कोई ऐसा यूनिक तरीका मिल जाता है, तभी हो पाता है। मेरे पास वो यूनिक चीज़ है नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, घर में तंगी है, सही इन्वायरमेंट नहीं है, मेरा पर्सनल रूम नहीं है, मुझे लाइब्रेरी जाने को नहीं मिलता, मेरे पास नया तरीका नहीं है, मेरे पास तो एक हिसाब पिटा नॉलेज है जिससे मैं फेल होता रहता हूँ, तो मैं फेल ही हो जाऊँगा, मेरा नहीं होने वाला। इन सब बातों को निकाल दो, ठीक है? सिलेक्शन केवल एक चीज़ मांगती है, वो क्या है कि आपको आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, कौन कौन से विषय आने वाले हैं वो पता होना चाहिए। दूसरा, उन विषयों को आपने परीक्षा से पहले पढ़ा हो। तीसरा, उन विषयों में जितने प्रश्न पिछले भूतपूर्व परीक्षाओं में, उस एग्ज़ाम के लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आपने उन क्वेश्चनों के ऊपर एक दो बार नहीं, 3 बार 4 बार नहीं, अथाह बार, अथाह मतलब जितना एक नॉर्मल इंसान कर सकता है उससे ज़्यादा, कोई 10 बार उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकता है, आपने 20 बार करी है, कोई 50 बार कर सकता है, आपने 100 बार किया है, बस इतना ही करना है सिलेक्शन के लिए। हर वर्ष कंपटीशन बढ़ता है, हर वर्ष कट ऑफ हाई जाती है, इसका रीज़न यही है कि हर वर्ष बच्चा सामने वाले की तुलना में जितना लास्ट ईयर किसी ने मेहनत किया होगा उससे ज़्यादा करने की औकात, उससे ज़्यादा करने की क्षमता बढ़ा लेता है। आज एक बुक के अंदर अगर 5,000 या 8,000 क्वेश्चन हैं, उसको अगर बनाने के लिए कहा जाए तो नया लड़का कहेगा भाई मुझे तो 6 महीना लगेगा, लेकिन अगर वो बना लेता है किसी तरीके 6 महीने में, फिर जब वो दोबारा बनाएगा तो उसको 4 महीना लगेगा, फिर दोबारा बनाएगा उसको 3 महीना लगेगा, एक टाइम ऐसा आता है बनाते 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 कि 10 दिन के अंदर वो किताब बना सकता है। उसी तरीके से जब आप लास्ट ईयर वाला बंदा 100 क्वेश्चन को करने में 90 मिनट लगा रहा है, तो अब जब नया बच्चा उसी एग्ज़ाम को देगा और उस चीज़ को सीखने के बाद कि लास्ट ईयर इतने क्वेश्चन आए थे, ऐसे बने थे, इतना कट हो गया था, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेगा और इतनी प्रैक्टिस घर में करेगा, इतनी प्रैक्टिस करेगा कि लास्ट ईयर वाला तो मेरे को नहीं चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, लास्ट ईयर वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मुझे इससे ज़्यादा एक्यूरेसी से करने, मुझे इससे कम टाइम में करना है, उस चीज़ को देख देख कर वो अपने घर में इतनी बार प्रैक्टिस कर लेता है, वो प्रैक्टिस ही सिलेक्शन दिलाती है। तो वो जो क्वेश्चन था ना, जो इंस्टाग्राम पे पूछा था किसी ने, उसका जवाब यही है कि आप आज से कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा बाउंडर मत बनाइए, बहुत ज़्यादा किताबों का ढेर मत लगाइए, जैसे ये लगा हुआ है ना ऐसे मत लगाइए, मतलब ये तो मेरे स्कूल की भी किताबें हैं वो रखी हुई हैं, ये रखने की जगह, लेकिन पढ़ने की जगह पे आप केवल सीमित चीज़ें रखिए। हर एग्ज़ाम में 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, 4 से 5 सब्जेक्ट की 4 से 5 ही किताब होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? 2 से 3 नोटबुक होनी चाहिए, मैथ और रीजनिंग की सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए,
ठीक है, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करें, और कोई एकदम बढ़िया सी नोटबुक नहीं कि स्पायरल वाली बाइंडिंग वाली बुक ले कॉपी ले रखी है और उसमें आप एकदम प्रेम से लिखे जा रहे हैं, साफ साफ लिखे जा रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं। जितना ज़्यादा आप खिचड़ी पका सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उसमें क्वेश्चंस को बना सकते हैं, एक पेज में आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, 30 बार बनाइए, लेकिन बनाइए। ये प्रैक्टिस ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी जो 6 महीने 8 महीने बचे हैं, इन 6 महीने 8 महीने में आपके जो इतने सारे एग्ज़ाम हैं, इन सभी एग्ज़ाम को एक साथ ले लो, लेकिन इन सभी एग्ज़ाम में एक ड्रीम एग्ज़ाम होना चाहिए आपका, एक ड्रीम प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक ड्रीम गोल होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। जैसे ये सारे एग्ज़ाम है, इसमें से एक एग्ज़ाम उठा लिया एग्जाम्पल के तौर पे, आपको लोको पायलट, आपको ट्रेन चलाना है, या आपको आरपीएफ में दरोगा बनना है, या आपको सचिवालय में बैठना है। ठीक है, इसमें से एक ड्रीम पोस्ट आप बनाइए, आप अपने अंदर वो ड्रीम पैदा कीजिए। ऐसा ही नहीं है कि अंधेर नगरी में चले जा रहे हो, जो मिला वो ले लेंगे, नहीं। एक ड्रीम नौकरी को अपने दिमाग में सेट कीजिए, और सबके मन में एक ड्रीम होता है कि मुझे ये बनना है, बस उस चीज़ को उठाइए, क्योंकि सब एग्ज़ाम के लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप ड्रीम नहीं बनाओगे तो आप खिचड़ी की तरह पढ़ने लगोगे, कभी किसी का सेट लगाओगे, कभी किसी का सेट लगाओगे, कभी किसी का प्रीवियस ईयर पढ़ोगे, इससे कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको एक ड्रीम नौकरी पकड़नी है, उसको उठाना है, उसकी डिटेल्स पूरी लिख लेनी है एक पेज में, क्या सिलेबस था लास्ट ईयर में, कितनी कट ऑफ गई थी, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, प्री होता है, मेंस होता है, प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस है, मैथ में कितना आता है, रीजनिंग में कितना आता है, जीएस में कितना आता है, करंट अफेयर कैसा आता है, मतलब कितने महीने का आता है, लास्ट ईयर कैसे आया था, ये सारा प्रारूप बनाकर आप अपने दीवार में चिपका लीजिए। उसके बाद इन सभी प्रारूप का कंटेंट इकट्ठा करके लाइए, कंटेंट मतलब कि लोको पायलट बनना है, या आरपीएफ बनना है, या बिहार एसएससी निकालना है, कोई भी एग्जांपल में आपको बिहार एसएससी निकालना है, तो अब इसके अंदर देखिए क्या क्या विषय हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, करंट अफेयर है, 4 चीज़ें हैं, और साइंस भी है, ठीक है, 5 चीज़ें हैं। अब इन 5 चीज़ों को लेकर आप 5 बुक ला सकते हैं, आप ला सकते हैं रिसर्च करके, अन्यथा बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रिसर्च कीजिए कि मैथ के लिए एक बुक होनी चाहिए, रीजनिंग के लिए मेरे पास एक बुक होनी चाहिए, जीएस के लिए देखिए कि आपका लेवल क्या है। आप 0 पे हो तो लूसेंट सबसे पहले पढ़िए, ठीक है, अगर आप 0 पे नहीं हो, आपने लूसेंट पढ़ रखी है, तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक को उठा लाइए, जिसमें जीएस के ही क्वेश्चन हो एमसीक्यू वाले, और उन्हीं जीएस के क्वेश्चन पे कमांड बनाइए, बना बना कर पढ़ पढ़ कर आप पढ़ के एमसीक्यू का आंसर देख लीजिए, पढ़ के आंसर देख लीजिए, उसका जो थ्योरी लिखा हुआ है नीचे उसको पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, एक पेज को आप कम से कम नहीं तो 10-20-50 बार पढ़ डालिए जीएस के, ठीक है, ताकि जब वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको दोबारा कभी मिले वो क्वेश्चन, तो आप वो बना पाएं। अगर वो क्वेश्चन सेम टू सेम ना भी मिले, तो जो आपने उसकी थ्योरी बार बार पढ़ी है, उससे वो क्वेश्चन जरूर आपको लिंक करके मिलेगा, और आप वो जीएस के क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन पकड़ लीजिए, स्पीडी पकड़ लीजिए, या घटनाचक्र.com पकड़ लीजिए, या कोई भी मैगजीन पकड़ लीजिए, या कोई यूट्यूब पकड़ लीजिए। यूट्यूब को प्रतिदिन मत देखिए, महीने का एक साथ करंट अफेयर का एक वीडियो देखिए, और कोई मैगजीन आप खरीद के उसको पूरे महीने में कम से कम 10 से 20 बार पढ़िए। ठीक है, करंट अफेयर जीएस के लिए ऐसे कीजिए, और मैथ रीजनिंग की जो बुक लेके आएंगे, उस बुक को आपको मल्टीपल टाइम खत्म करना है। आपको कैसे खत्म करना है ये आपके ऊपर है, आप यूट्यूब से देख के खत्म कीजिए, आप बुक के सोल्यूशन को देख के खत्म कीजिए, लेकिन मल्टीपल टाइम खत्म करना है। अगर आपको कुछ नहीं पता, चैप्टर के बारे में भी नहीं पता, तो आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाइए, उस चैप्टर को देखिए, ठीक है, यूट्यूब पे जाइए, उस बुक का सोल्यूशन देखिए, सब मिलेगा। यही तो मेहनत है यार, और कोई यूट्यूब पे आके कोई आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं दे देगा। देने वाले बहुत पड़े हैं कि आते हैं बताते हैं कि टेक्स्ट बुक का ये ले लो, मेरा लिंक लगा लो, मेरा कोड लगा लो, या ये वाला कोर्स ले लो, हमने ये परचम बैच लगाया है, हमने ये बैच लॉन्च किया है। वो अगर आप उस ट्रैप में फंसोगे तो फिर फंसे रह जाओगे, क्योंकि उसमें आप अपना दिमाग, अपनी आत्मा को निकाल के सामने वाले के अंदर डालते हो कि बस ये कोर्स मैं खरीद पाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोर्स मैं खरीद लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस किसी तरीके से 999 का जुगाड़ कर लूँ, बस ये आया और मेरा सिलेक्शन। पर ऐसा नहीं है भाई, जब आप ये थिंकिंग लेते हो ना, तो अपनी आत्मा को निकाल के डाल देते हो। ऐसा मत करो, वो कोर्स जो दे रहे हैं ना, वो आपको उससे भी अच्छा अच्छा मटेरियल जब आप खुद से रिसर्च कर करके यूट्यूब से निकाल निकाल के करोगे, उससे बढ़िया तैयारी ऐसे होगी, समझे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको नॉलेज नहीं है कैसे रिसर्च करना है, कैसे पढ़ना है। अगर इतना भी आपको नहीं पता है ना, तो आप इस साल नौकरी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं जानते कि आपको कैसे करना है, तो फिर आप क्या ही है फिर यार, समझे। तो आज से आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा बाउंडर मत बनाइए अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा
टेक्निकलिटी में मत घुसिए कि ऐसे कर लूँगा मैं, साइंस में 25 क्वेश्चन आएंगे बिहार एसएससी में तो मैं पूरा का पूरा साइंस बना डालूंगा, ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के तो मैं साइंस का एकदम स्पेशल पढ़ लेता हूँ पूरा, ऐसा कुछ मत कीजिए। चालाक बनिए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए। हर एग्ज़ाम में दो बहुत बड़े बड़े स्तंभ होते हैं, मैथ और रीजनिंग, और इन्हीं को इग्नोर किया जाता है। सबसे ज़्यादा पागल बनाने वाले जो YouTube पे, देखो पागल तो कोई नहीं बनाता, सब अपने लिए काम करते हैं, सबको पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए, जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं उन्हें भी चाहिए। ये बच्चे को देखना है कि वो पागल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं किसी भी टीचर को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन YouTube पे आपको GS के टीचर बहुत ज़्यादा मिलेंगे और GS के टीचर बहुत ज़्यादा बोलने वाले मिलेंगे, क्योंकि उसी से उनका घर चल रहा है, उसी से उनका YouTube चल रहा है, उसी से उनको पैसा आ रहा है, समझे। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं, पर आपको जितना कंटेंट चाहिए आप उतना ना देखकर उसका कई गुना ज़्यादा GS, GK, GS में देखना शुरू करते हो, जिसके कारण आप मैथ रीजनिंग को भूल से जाते हो। जो मेहनत आपको मैथ रीजनिंग में करनी होती है वो मेहनत आप करंट अफेयर में कर लेते हो, आप साइंस में कर लेते हो, आप GK में कर लेते हो, और जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि गड़बड़ क्या हुआ, और कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि मैंने गलत क्या किया है। फिर ये होता है कि एग्ज़ाम हार्ड था, हवा ही नहीं लगा, पता ही नहीं चला, ये हो गया वो हो गया बस, लेकिन अपनी गलती आपको नहीं पता चल गया, फिर आप उसी लूप होल में फंसते हो कि बस इस बार तो मैं करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं GS का तो बिल्कुल ही सुपड़ा साफ करूंगा, लेकिन मैथ रीजनिंग नहीं बनाऊंगा मल्टीपल टाइम। मैथ रीजनिंग बस दिन भर में 25 बना लिए मैथ के, 25 बना लिए रीजनिंग के, मेरा काम हो गया। दिन भर में एक चैप्टर मैथ का देख लिया, एक चैप्टर रीजनिंग का देख लिया, मेरा काम हो गया, बस अब GK GS में पूरा करना है। नहीं भाई, ये जितने भी एग्ज़ाम का नाम मैंने लिया है, इन सभी एग्ज़ाम में जो मुख्य पार्ट है वो है मैथ रीजनिंग, और जिसने मैथ रीजनिंग में शिद्दत से मेहनत करी, GK GS को केवल नॉर्मली लूसेंट, करंट अफेयर की एक मैगजीन, इन दोनों चीज़ों से भी किया तो भी उसका सिलेक्शन एकदम कन्फर्म है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आज एनर्जी वाली वीडियो नहीं बनाया, आज मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया है तो इसलिए थोड़ा मोटिवेशन वाला लेवल नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक आंसर दिया है मैंने कि कैसे शुरू करना है, आज से शुरू करना है, आप कर सकते हैं, ठीक। पढ़ाई कैसे शुरू करना है पूरी डिटेल मैंने बताई। आप अपने सवाल नीचे कमेंट कर सकते हैं, किस टॉपिक पे, किस चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं, कोई आपका सवाल हो आप उससे इंस्टाग्राम पे जुड़ भी सकते हैं, उसका लिंक अब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना शुरू कर दिया। ओके, सनी सिंह, इंडियन रेलवे है, और बाकी हर नाम के बीच में स्लैश स्लैश है। जय हिंद, वंदे मातरम।